Abundance Stock Advisors. Let's make money. Hello friends, welcome. Friends, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि बजट 2022 जो कि मोदी गवर्नमेंट का 10th बजट था, उसे थम्स अप मिला है फ्रॉम अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज एंड अक्रॉस मेनी पॉलिटिकल सर्कल्स। अपोजिशन ने भी इसे साइलेंटली एक अच्छा बजट बोलकर एक्सेप्ट किया है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, उसे रिकवर करने के लिए ऐसे सेक्टर्स को बूस्ट किया गया है जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, रूरल कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। इनडायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आएंगी, मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और इंडियन प्लेयर्स ओवरऑल फास्ट ग्रो करेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। तो एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, हमारे लिए बजट ने क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं वो हम सेक्टर बाय सेक्टर देखेंगे। तो पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा फोकस इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पर था। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इसी सेक्टर की मदद से इकोनॉमी को एम्बिशियस 9.2% जीडीपी ग्रोथ रेट पर लिया जा सकता है और 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम भी पूरा किया जा सकता है। पिछले कुछ साल से इंफ्रा सेगमेंट कर्जे का बोझ झेल रहा था, काफी लिटिगेशंस और कोर्ट केसेस का भी झमेला संभाल रहा था। इस बजट में उसे अपने पर खोलने का मौका मिला है। इस बजट में काफी फोकस किया गया है कोर सेक्टर्स पर, जैसे रोड्स, वाटर, मेट्रो, रेलवेज, डिफेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर। इससे ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो हम इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पर बुलिश है। कंपनीज जैसे कि पॉलीकैब इंडिया, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, पीएनसी इंफ्राटेक, एलएनटी, थर्मैक्स, केया इंडस्ट्रीज, एबीबी इंडिया, सीमेंट कंपनीज, सीमेंस इंडिया एटसेट्रा एंड मेनी मोर। इन 2021 इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज अकाउंटेड फॉर 13% शेयर ऑफ द टोटल एफडीआई इनफ्लोज ऑफ $81.72 बिलियन। तो फ्रेंड्स, इस साल एफडीआई फ्लो और भी ज्यादा होने की संभावना है। दूसरा सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे बजट ने कई इंसेंटिव्स दिए हैं। एमिशन नॉर्म्स और पेट्रोल के प्राइसेस हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट के लिए हेडेक रहे हैं, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस किया जा रहा है। फॉरेन रिजर्व डिप्लीट होने का भी बर्डन कम होगा अगर इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, और इस साल गवर्नमेंट इज राइट ऑन ट्रैक एज फार एज दिस सेक्टर गोज। इस सेक्टर के कंपनीज जिन्हें इस बजट से फायदा होगा वो है ईवी मैन्युफैक्चरर्स, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स, रिचार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइडर्स एंड बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। कुछ स्टॉक्स जिन पर हम बुलिश है इस साल वो है टाटा पावर, अडानी ग्रीन, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, मिंडा कॉर्पोरेशन, गैब्रियल इंडिया एटसेट्रा। इंडिया इज टारगेटिंग अबाउट 450 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। अबाउट 280 गीगावाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जस्ट सोलर। India's electrical vehicle market is expected to grow at a compounded annual growth rate of 90% in this decade to touch 150 billion by 2030. तो friends, ये सब इशारा कर रहे हैं कि ये sector का future potential बहुत ज्यादा strong है। तीसरा sector जिसे budget से बहुत फायदा होगा वो है farming और agriculture sector। दिल्ली की सड़कों पर जो किसानों ने आंदोलन किया, इसका पूरा effect budget में देखने मिला। अपोजिशन पार्टीज को भी किसान आंदोलन से काफी ज्यादा माइलेज मिला है। तो हमारा ख्याल यह है कि फायर फाइटिंग के मोड में गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को कई इंसेंटिव्स दिए हैं। फूड प्रोसेसिंग को एड मिला है, देयर आर इंसेंटिव्स लिंक्ड टू प्रोडक्शन, हायर फार्म क्रेडिट और फर्टिलाइजर्स और सीड्स के लिए ह्यूज सब्सिडीज दी गई है। इससे रूरल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा, रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे कि पूरी इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, ऐसी आशा की जा रही है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर को इग्नोर करके हम इकोनॉमी को कहीं नहीं ले जा सकते हैं। इस सेक्टर पे तो हमें पूरा पूरा फोकस करना ही होगा। और फ्रेंड्स, स्टॉक्स टू वॉच इन दिस सेक्टर आर पीआई इंडस्ट्रीज, धानुका एग्रीटेक, रैलिस, गोदरेज एग्रोवेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले इंडिया एटसेट्रा। चौथा सेक्टर है ऑब्वियसली हेल्थ केयर, जो कि पोस्ट बजट अच्छे मूड में रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट काफी लंबी थी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोडक्शन के लिए। ड्रग रिसर्च और बेटर हेल्थ फॉर एवरीवन पर पूरा फोकस था और यह सब बहुत ही काबिले तारीफ था। बजट ने हेल्थ इंश्योरेंस को भी इंसेंटिवाइज किया है। ड्रग मेकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ड्रग रिसर्च फर्म्स इसका पूरा फायदा उठाएंगे
और इस साल इनका सेल्स और रेवेन्यूज बढ़ने की आशा है। स्टॉक्स दैट आर लाइकली टू बेनिफिट आर अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायणा हेल्थकेयर, शालबी लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हेल्थकेयर ग्लोबल एंटरप्राइज, मैक्स हेल्थकेयर, एचडीएफसी लाइफ एंड मेनी मोर। इंडियाज हेल्थकेयर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच $372 बिलियन इन 2022। तो हेल्थकेयर सेक्टर का पोटेंशियल काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है आने वाले वक्त में। पांचवा सेक्टर है बैंकिंग। द स्लोडाउन इन क्रेडिट ग्रोथ हैज बीन एट अराउंड 5.3% इन FY21, द लोएस्ट इन द लास्ट 3-4 years। तो बजट के बाद इस सेक्टर को क्रेडिट ग्रोथ का बूस्ट मिलेगा। हर प्रकार के लोन्स जैसे फार्म लोन्स, इंफ्रा लोन्स, लोन्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ड्रग रिसर्च, इनफैक्ट इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे क्रेडिट गिविंग को बूस्ट करेंगे जिससे कि बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। रूरल इकोनॉमी भी अपना डिमांड क्रिएट करेगी फॉर लोन्स एंड माइक्रो लोन्स। बैंक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक इस साल अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सेक्टर और स्टॉक्स कई है लेकिन इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पिक करते वक्त आपकी रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। टेक्निकल, फंडामेंटल, वैल्यूएशन और फोरकास्टिंग, इन चारों एरियाज में आपको रिसर्च करना होगा। आपकी सेक्टर रिसर्च भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। 2020 का बजट एक बहुत ही प्रॉमिसिंग बजट है। काफी अपॉर्चुनिटीज रहेंगे इस साल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। क्रेडिट गिविंग इस साल बढ़ेगा जिससे कि परचेसिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली इस सब का फायदा होगा एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ एंड जय हिंद।